हेलो गाइस, आज हम अर्थ जैसा एक प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं। आप शॉक्ड होंगे ऐसा कौन सा प्लैनेट होता है, तो चलिए वीडियो में ही देखते हैं। केपलर 452 भी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो भीतरी भीतर परिक्रमा सन जैसे तारे केपलर 452 के रहने योग्य क्षेत्र के किनारे और केपलर द्वारा खोजी गई प्रणाली का एकमात्र ग्रह है। यह सिग्नस के नक्षत्र में पृथ्वी से लगभग 1402 लाइट ईयर्स मतलब 430 पीसी की दूरी पर स्थित है। एक्सोप्लैनेट की पहचान केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी और इसकी खोज की घोषणा नासा ने 23 जुलाई 2015 को की थी। यह ग्रह सोलर सिस्टम से लगभग 1800 लाइट ईयर्स दूर है। न्यू होराइजंस अंतरिक्ष यान की गति से लगभग 59,000 किलोमीटर पर आवर मतलब 37,000 मील प्रति घंटे वहां पहुंचने में लगभग 30 मिलियन वर्ष लगेंगे। केपलर 452 बी का संभावित मास अर्थ से 5 गुना है और इसकी सतह का सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 2 गुना है। हालांकि एक्सोप्लैनेट के लिए द्रव्यमान की गणना केवल मोटे अनुमान है। यदि यह एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है तो इसके हाई मास और डेंसिटी के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ एक सुपर अर्थ होने की संभावना है। ग्रह पर बादल घने और धुंधले होंगे जो अंतरिक्ष से देखे गए सतह के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। 2009 में नासा का केपलर स्पेसक्राफ्ट अपने फोटोमीटर पर तारों का देखरेख कर रहा था। यह वह इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग वह ट्रांजिट घटनाओं का पता लगाने के लिए करता है जिसमें एक प्लैनेट अपने मेजबान तारे के सामने से गुजरता है और एक संक्षिप्त और मोटे तौर पर नियमित समय के लिए मंद हो जाता है। इस अंतिम परीक्षण में केपलर ने देखा 50,000 सितारों इन केपलर इनपुट कैटलॉग केपलर 452 बी सहित प्रीलिमिनरी लाइट कर्व्स को विश्लेषण के लिए केपलर साइंस टीम को भेजा गया था, जिन्होंने अन्य टेलीस्कोप्स द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए समूह से स्पष्ट ग्रहों के साथियों को चुना था। पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स के लिए अवलोकन 13 मई 2009 और 17 मार्च 2012 के बीच हुए। केपलर 452 बी ने एक ट्रांसिट एग्जिबिट किया जो लगभग हर 385 दिनों में होता था और अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक ग्रह पिंड जिम्मेदार था। इस खोज की घोषणा नासा ने 23 जुलाई 2015 को की थी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।